जब भी आप माइक्रोवेव चालू करोगे तो सबसे पहले टाइम दिखाता है क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी का समय। जैसे किचन में क्या होता है, घड़ी वगैरह लगा के नहीं रखते हैं, तो माइक्रोवेव के ज़रिए से हम वहाँ पर घड़ी देख सकते हैं। तो क्लॉक सेटिंग के लिए यहाँ पर एक छोटा सा बटन जिसमें लिखा हुआ है क्लॉक, इसको पुश करो। पुश करने के बाद ये पूछता है कि आपको टाइमिंग 24 आवर्स वाला चाहिए या फिर 12 आवर का चाहिए। ठीक है, तो 12 आवर का लेते हैं। प्लस एंड माइनस से हम टाइम सेटिंग करेंगे। प्लस जैसे ही दबाएंगे यहाँ पर आवर पे ब्लिंकिंग करेगा। आवर पे ब्लिंक मतलब पहले आपको घंटे को सेट करना है। जैसे अभी टाइम हो रहा है 5, प्लस को दबा दबा के 5 मिनट का ये 5 ले लिया, टाइम डाल दिया। उसके बाद मिनट पूछ रहा है। जैसे अगर 3 मिनट हुआ है तो फिर प्लस को दबा दबा के आप उस हिसाब से मिनट भी सेट कर दो, फिर क्लॉक को पुश कर दो। तो ये आपका घड़ी है। अगर आप इस कंडीशन में माइक्रोवेव ऑन रखते हो तो आपको कोई भी पावर नहीं लग रहा है। ये एक बेसिकली आपका घड़ी बस चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। हम घर की कोई भी चीज़ों को अगर गर्म करना चाहते हैं, चाहे वो चाय ही क्यों ना हो या पका हुआ आइटम कोई भी, जैसे चावल है, दाल है, सब्जी है, जो भी आइटम, उसको कांच के बाउल या प्लास्टिक के बाउल पे आपको टर्न टेबल के ऊपर में रखना होगा। और हीटिंग के लिए मात्र 30 सेकेंड का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। वन टाइम प्रेस करने से 30 सेकेंड, सेकेंड टाइम में 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, तो ऐसा हम टाइम भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये है 30 सेकेंड ओनली रीहीटिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फंक्शन है फास्ट प्रीहीट। फास्ट प्रीहीट का मतलब क्या होता है, जब भी हम ओवन में कोई भी चीज़ बेक करते हैं, बेकिंग मतलब जैसे आपको ब्रेड बनाना है या केक बनाना है, तो ओवन को पहले प्रीहीट किया जाता है। प्रीहीट करने के लिए क्या करेंगे, प्रीहीट का बटन दबाएंगे। ये हीट दिखाने के बाद इसको फिर से प्रेस करो। ये दिखाता है सेल्सियस पे 220 डिग्री, कम करना है तो 200 डिग्री, 180 डिग्री, 160 डिग्री। तो ये आपका एक टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हमको ज़्यादातर केक बनाने के लिए 160 या 180 लेना रहता है। तो 180 ले करके सीधा स्टार्ट का बटन आप दबा दीजिए। ये प्रीहीट स्टार्ट हो गया। जैसे ही प्रीहीट होगा अंदर, जैसे ही 180 का टेम्परेचर आ जाएगा, आपका ओवन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। रुकने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, एक फ़ैन जो है वो चलते रहेगा, क्योंकि हीट एग्जॉस्ट करना भी ज़रूरी है। तो वो प्रीहीट के ज़रिए आपका रनिंग कंडीशन में, जैसे हम जैसे तवे पे रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने से पहले क्या करते हैं, तवे को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद अगर उसमें रोटी को डालेंगे तो अच्छे से पकेगा। अगर हम डायरेक्ट ठंडे तवे पे अगर रोटी डालेंगे तो क्या होगा, वो चिपक जाएगा। तो उसी चीज़ के लिए ये प्रीहीट है। ये सिर्फ बेकिंग के लिए काम आता है। अब बेकिंग के लिए जैसे चल रहे हैं, तो मैं आगे बेकिंग का ही प्रोसेस पहले आपको बताऊंगा। कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब आप इसको पुश करोगे तो यहाँ पर भी टेम्परेचर दिखाएगा। आपके अंदर का टेम्परेचर आ चुका है, इसके अंदर ओवन के अंदर 180 डिग्री टेम्परेचर, तब आप यहाँ पर 220 डिग्री फिर से दिखा रहे हैं। अब आप 180 डिग्री टेम्परेचर फिर से लोगे। अब यहाँ आपको टाइम सेटिंग करना है। टाइम सेटिंग करने के लिए 3 ऑप्शन है, 10 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड। तो जैसे आपको 5 मिनट का टाइम सेट करना है तो 5 टाइम प्रेस कर दो। अगर आपको 10 मिनट्स बढ़ाना है तो 10, 10, 10, ये बढ़ते जा रहे हैं। सेकेंड्स पे कुछ लेना है तो ये सेकेंड पे भी लेके स्टार्ट करोगे, आपका कन्वेक्शन मोड ऑन हो जाएगा। कन्वेक्शन में बनता क्या क्या है, जैसे हम कोई भी चीज़, ये कन्वेक्शन सिर्फ ओनली बेकिंग को रीहीटिंग के काम आता है, गर्म करने के लिए। जैसे ब्रेड पिज्ज़ा मैंने मार्केट से लाया, अब उसको थोड़ा सा खाने में थोड़ा लजीज बनाना है, क्रंची करना है, तो उसको कन्वेक्शन में करेंगे। ठीक है, अगर हमको पिज़्ज़ा बनाना है या केक बनाना है, तो उसके लिए हमको माइक्रोवेव का कॉम्बी फंक्शन चाहिए। ये दोनों मोड एक साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो उसके लिए हम लेते हैं माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन। इसमें आप कोई भी चीज़ बेक कर सकते हो। बेकिंग के लिए इसको प्रेस करो, 220, 200 डिग्री, 180, 160, ये आपका टेम्परेचर फिर वही आ गया। तो 160 या 180 टेम्परेचर देके 35 से 40 मिनट लगता है एक केक को बेक होने में, तो वो टाइम देके आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तीसरा फंक्शन है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव बेसिक चीज़ों को बनाने के लिए है, जैसे चावल है, दाल है, हरी सब्जियाँ हैं, हलवा है, पोहा है, उपमा है, इडली है, ढोकला है, तो ये सब का टाइमिंग आपको एडजस्ट करना है। अब भाई जब आप गैस में कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे चावल ही बना रहे हो, तो हर बार उसको क्या करना पड़ता है, ढक्कन को खोल के बीच बीच में देखना पड़ता है। तो वो चीज़ ओवन में भी आपको करना है।
क्योंकि आपको एकदम प्रॉपर टाइमिंग तो पता है नहीं। तो जैसे एक अप्रॉक्स आपको बता रहा हूँ कि जब आप माइक्रोवेव मोड लेते हो तो 900 वाट लेता है। लेवल को कम करने के लिए आप यहाँ से उसी बटन को प्रेस कर करके लेवल को भी कम कर सकते हो, ठीक है। ये वोल्टेज वाट पे है 900 वाट, तो 900 वाट आपने लिया। अगर आपको जल्दी बनाना है तो 900 वाट लो, अगर आपको आराम से पकाना है तो पावर लेवल कम करके बनाओ। टाइम सेटिंग फिर वैसे ही है, 10 मिनट 10 10 1 1 या सेकेंड्स में, ठीक है। तो जैसे चावल का टाइमिंग 900 वाट में, आपको बता दूं 900 वाट में 15 मिनट लगता है, 250 ग्राम स्टार्ट करोगे 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। कोई भी चीज़ कुक होने के बाद डोर को तुरंत ओपन नहीं करना है, क्योंकि वो उसके हीट में भी पकते रहता है अंदर। तो 5 से 10 मिनट के लिए स्टैंड बाई टाइम आपको देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ग्रिल। ग्रिल मीन्स क्या हो गया, रोस्ट। जो भी मार्केट से रोस्टेड आइटम लाते हो, चिकन है, फिश है, कबाब है, काड़ी है, जो भी है, तो वो सब आपको रीहीटिंग करना है। तो ग्रिल मोड लोगे, टाइम सेटिंग करोगे और स्टार्ट करोगे। अगर आपको घर पे ही बनाना है तो माइक्रोवेव फिर जुड़ जाएगा ग्रिल के साथ, लास्ट ऑप्शन माइक्रोवेव प्लस ग्रिल। ये मोड लेके टाइम सेटिंग करके फिर स्टार्ट। तो इसमें भी बता दो, चिकन रोस्ट करते हो एक लेग पीस को 18 से 22 मिनट लगता है एक साइड के लिए, जब पीस को पलटोगे तो 5 से 7 मिनट के लिए, मतलब एक साइड में 18 से 22 के आसपास। जब वो पक जाएगा ऊपर का तो निचले का हिस्सा थोड़ा सा रह जाता है, तो पलट के 4 से 5 मिनट फिर चला दो इसी मोड में, फिर आप टाइम दे के स्टार्ट करोगे तो उतनी देर में वो लजीज बन जाएगा। एक लेग पीस के लिए 18 मिनट, हाँ। और एक बार में कितना डाल सकते हैं? कम से कम 8 से 10 पीस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं ऑटो कुकिंग। ऑटो कुकिंग मतलब ऑटो कुक का फंक्शन। इसमें हम ये सारी रेसिपी जो है स्टिकर में लिखा हुआ है हम डायरेक्ट बना सकते हैं जो ये बटन से। हाँ, जैसे यहाँ लिखा है ना कैफेटेरिया, यहाँ पर देखो कैफेटेरिया लिखा हुआ है। कैफेटेरिया में जैसे आपको ऑमलेट बनाना है तो नंबर 5 कैफेटेरिया को 5 बार दबा दो। अच्छा, ऑटोमेटिक फिर स्टार्ट कर दो। ए, इसमें वेट पूछता है, ठीक है। 100 ग्राम से 150 ग्राम मतलब 2 अंडे का, स्टार्ट कर दो, 2 मिनट हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ आपको मिल जाएगा, जैसे कि गाजर का हलवा 4 नंबर इंडियन बेस्ट, यहाँ पर है इंडियन बेस्ट 4 नंबर, ठीक है। प्लस दबाओ, आधा किलो का साइज़ का है, आधा किलो का बना रहे हो, स्टार्ट करो, 35 मिनट मिल जाएगा, ठीक है। अब एक है डिओडाइज़र। ये क्या है, डिओडराइज करना। जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं या किचन में हो, जैसे हम लोग चिमनी का इस्तेमाल करते हैं, किचन में क्या धुआं भर जाता है, स्मेल भर जाता है, तो वो चिमनी क्या करता है उसको निकाल के बाहर फेंकता है। वैसे इसमें भी एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, तो हम कोई भी चीज़ पकाने के बाद हमको लग रहा है कि उसकी स्मेल इसके अंदर भरी हुई है, तो सीधा डिओडराइज कर दो तो फैन जो है पूरी स्मेल को खींच के बाहर फेंक देगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ गर्म करना है तो सीधा स्टार्ट बटन।